दोस्तों, मैं हूँ राज सोम और आप देख रहे हैं राज सोम स्टडी पॉइंट चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ कि किसी भी वर्ड मीनिंग से आप शुरुआत करते हैं, किसी भी लेटर से आप वर्ड मीनिंग के, तो उसके अंत में एस आएगा। और ये इस वीडियो का पाँचवा यानी कि लास्ट वाला पार्ट है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यू से लेकर के जेड तक के वर्ड्स मीनिंग का संग्रह। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले के चार वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल चुकी होगी, और आप उन वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएं और वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं। तो हम इन वीडियो को शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा गया स्टार्ट विद एनी लेटर सेंड विद दिस। तो इसका पहला पार्ट ए टू ई, दूसरा पार्ट एफ टू जे, तीसरा पार्ट के टू ओ और चौथा पार्ट पी से टी तक का था। और ये है पांचवा पार्ट जिसमें कि मैं यू से लेकर के और जेड तक को सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है यूएस। एस मतलब हमको, यूसेस मतलब होता है, यूजगेज मतलब होता है प्रथा, यू एस ए जी ई एस, यूजलेस मतलब बेकार, यू एस ए एल ई डब्ल्यू एस, अबेरोस मतलब होता है फलयुक्त, यू बी ई आर ओ यू एस, अल्सरस मतलब होता है नसूरदार, यू एल सी ई आर ओ यू एस, वैक्यूस, वैक्यूस मतलब छूछा, वी ए सी यू ओ यू एस, वेजिटस, वी ए जी आई टी यू एस, वेजिटस मतलब नवजात शिशु की चिल्लाहट, वी ए आई एल एस, वेल्स मतलब नौकर को दी हुई बख्शीश, नौकर को दी हुई बख्शीश, ठीक है, उसको कहते हैं वेल्स। वैरनस, वी ए आर ए एन यू एस, वैरनस मतलब एक प्रकार का गिरगिट। वेलुमिनस, वी ओ एल यू एम आई एन ओ यू एस, वेलुमिनस मतलब होता है विस्तीर्ण। वाटर्स मतलब तालाब, डब्ल्यू ए टी ए आर एस, वर्क्स मतलब कारखाना, डब्ल्यू ओ आर के एस, डब्ल्यू डब्ल्यू ओ डी एस, वुड्स मतलब जंगल, वेट्रेस, डब्ल्यू ए आई टी आर ई डब्ल्यू एस, वेट्रेस मतलब होता है होटल में की दासी, वैलरस, डब्ल्यू ए एल आर यू एस, वैलरस मतलब बड़े दांत वाला, मांसाहारी समुद्री जीव, वैलरस का मतलब होता है बड़े दांत वाला मांसाहारी समुद्री जीव, एक्समस मतलब होता है क्रिसमस, एक्समस का पेड़, एक्स एम ए एस, जैंथोमेलनस, जैंथोमेलनस मतलब होता है गोरे और काले बाल वाले मनुष्य, ठीक है, यानी कि जिनके रंग जो होते हैं वो पीले रंग होते हैं चमड़े के और बाल उनके काले होते हैं, उन मनुष्यों को जैंथोमेलनस कहा जाता है, एक्स ए एन टी एच ओ एम ई एल ए एन ओ यू एस। जैंथोसिस मतलब पीले रंग की रचना, एक्स ए एन टी एच ओ एस आई एस। जेनोजेनेसिस, जेनोजेनेसिस का मतलब माता पिता से भिन्न संतान की उत्पत्ति, जेनोजेनेसिस, जी ई एन ओ जी ई एन ई एस आई एस। जेरोट्स मतलब होता है शरीर का सूखापन, एक्स ई आर ओ टी ई एस। वाई ई एस, जेस मतलब हाँ, वाई ए डब्ल्यू एस, योज मतलब होता है गांठ। यस्टिनस मतलब होता है झागपन, वाई ई ए एस टी आई एन ई डबल एस। योर सेल्स मतलब होता है स्वयं ही, यू वाई ओ यू आर एस ए एल वी ई एस। योक्स मतलब लोहा, लोहा ये जो सियार या लोमड़ियों को पकड़ने के लिए जो पालतू कुत्ते होते हैं उनके लिए जो वर्ड्स यूज किया जाता है, लोहा लोहा वाला, ठीक है ना, वहाँ पे इनका यूज किया जाता है योक्स वाला, तो उन लोहा वर्ड्स को इंग्लिश में योक्स कहते हैं, वाई ओ आई सी के एस। जेड ए बी आर यू एस, जैबरस मतलब होता है गुब्रैला, जेड ए बी आर यू यस, जैबरस। अगला है, ये एक प्रकार का झिंगुर भी होता है, ठीक है ना, जैबरस का मतलब एक अलग प्रकार का झिंगुर होता है बड़ा। जिलस मतलब होता है उत्साह, जेड ई ए एल ओ यू एस, जिलस। ज्यूस मतलब होता है ग्रीस देश के निवासियों का देवता, इनको ज्यूस कहते हैं वो लोग, जेड ई यू एस। आगे है जो डायनामिक्स, जो डायनामिक्स मतलब पशुओं के आंतरिक शक्ति की विद्या, जेड डबल ओ डी वाई एन ए एम आई सी एस। जूनोसिस, जेड डबल ओ एन ओ एस आई एस, जूनोसिस मतलब रोग जो कीड़ों मकोड़ों से आया हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे वर्ड्स मीनिंग का
वीडियो के साथ ही समाप्त होता है। अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलूंगा। अगर आपके मन में भी कोई टॉपिक है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम उन पर अपने वीडियोस को आपके सामने बना करके पेश कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।